जब जब तुझसे मिलने की उम्मीद नजर आई तब तब मेरे पैरों में जंजीर नजर आई, गिर पड़े मेरे आंखों से आंसू, वाह वाह वाह, गिर पड़े मेरे आंखों से आंसू और हर एक आंसू में तेरी तस्वीर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव होप्स। आई एम फाइन एंड होप आप सब भी ठीक होंगे। तो जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो मेरी इससे पहली वाली वीडियो देखें, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप पहली वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, जिंदगी एक रात है जिसमें ना जाने कितने ख्वाब है, जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, सही गाइडेंस मिलना, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है अगर आप सही जा रहे हैं रास्ते तो उसमें रुकावटें बहुत आएंगी। आप लोगों को बताएंगे कि हाँ मैंने ये फॉर्म भरा है, यहाँ सिलेक्शन हुआ, तो डेफिनेटली इंस्टेंट ऑफ हैप्पीनेस आपके जो काफ़ी, दिस इज़ अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, मैं इसमें किसी का दोष नहीं दूंगा, खुश होने की बजाय सब दुखी होते हैं, अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये बंदा आगे जा सकता है, आगे बढ़ जाएगा। सो दोस्तों, लाइफ में खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, आई डिड माय प्रीसी ट्रेनिंग, मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पैसे दे रहा हूँ, आई हैव जीरो नॉलेज। ये जो समुंदर देख रहे हैं आप दोस्तों, ये मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखा होगा, मेरे दादा परदादा चाहे, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। और स्पेशली मर्चेंट नेवी, इसका नाम तो मतलब दूर दूर तक ही किसी ने सुना नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने जैसा आपको बताया, मैंने प्रीसी ट्रेनिंग की, सो आई वाज सर्चिंग, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, आगे क्या किया जाए, मुझे तो ये भी नहीं पता था क्योंकि यहाँ पे इतनी फ्रॉड गिरी है, कहीं पे आपको पनामा सीडीसी, लाइब्रेरियन सीडीसी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, पैसा ले लेते हैं 3 लाख 4 लाख, लेकिन डॉक्यूमेंट्स गलत दे देते हैं, उसके बाद किधर भेज देते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो आई गिवन 2-3 कंपनीज एग्जाम, तो दोस्तों सिलेक्शन तो मेरा सब में हुआ, बट वही बात है कि चांस मिलने वाली बात है। फाइनली एक कंपनी थी, उसमें मैंने अपनी कैडेटशिप स्टार्ट की, मुझे मिला चांस, गॉड गिवन मी चांस। लाइफ में चांस हर किसी को मिलता है, हम लोग अपनी किस्मत पे रोते हैं कि अरे यार क्या किस्मत है हमारी, दूसरे की देख के अरे देखो वो बंदा कैसा है। भगवान ने 2 आंखें आपको भी दी है, 2 आंखें उनको भी दी है, 2 हाथ उनको भी दिए हैं, 2 हाथ आपको भी दिए हैं। ये बात सच है कि दिमाग वाला किस्मत वाले के यहाँ काम कर रहा है। जिसके पास दिमाग है, दिमाग तो देखिए बहुतों के पास है लेकिन नसीब सबके पास नहीं है, जो दिमाग वाला है वो नसीब वाले के यहाँ काम कर रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ठीक से लिखना भी नहीं आता लेकिन उनके अंडर में बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही है। लेट्स लिव। सो मैं आपको यही बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको बस कोशिश करते रहना है, आपको मोटिवेट होते रहना है, सही टाइम पे सही रास्ता बहुत ज़रूरी है। सपोज डैट आपको अपने, मतलब यू शुड नॉट नेवर गो टू डिप्रेशन। जहाँ पे आपको एक बार डिप्रेशन होना चालू हुआ, लोग आपका फ़ायदा उठाने लग जाएंगे धीरे धीरे, एंड यू विल डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड, फाइनली कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि सही टाइम पे सही रास्ता बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट टाइम मैं मुंबई गया, क्या एज रही होगी, हार्डली 17 ईयर रही होगी, आई वाज 17 ईयर ओल्ड, ठीक से पता भी नहीं था, कभी अकेला भी नहीं गया, तो फर्स्ट टाइम जा रहा था। तो फर्स्ट टाइम पापा ने पकड़ा दिया, ये ले ट्रेन का टिकट स्लीपर क्लास का एंड यू हैव टू गो। तो मैं मुंबई गया, तो मुंबई में जाके देखा, मतलब भंडार पड़ा हुआ, एक अकेला मैं ऐसा कैडेट नहीं, भरे पड़े हैं जैसे मक्खी मच्छर भरे पड़े रहते हैं, उस तरीके से प्रीसी ट्रेनिंग करके सब भरे हुए थे। अब क्या किया जाए, मतलब किसी कंपनी में वैकेंसी 1 है तो आदमी 5,000 है, उसमें भी वो एक सोर्स वाला होता है, किसी कैप्टन का बेटा या किसी मतलब कोई बड़ी पोस्ट का बेटा। सो दोस्तों इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी कि वाट टू डू, क्या किया जाए, कैसे चांस मिले, क्योंकि प्रिपरेशन तो अच्छी थी, ट्रेनिंग में अच्छी तैयारी हुई थी, सब कुछ अच्छा था, नॉलेज भी अच्छी थी, दिमाग भी था, अकल भी थी, बट कहते हैं ना
बट दोस्तों हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है, भगवान इज देयर। डॉलर के नोट पे भी लिखा रहता है ना, वी बिलीव इन गॉड, तो वी शुड ट्रस्ट इन गॉड। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, आप मेरी ये वीडियो तभी समझ पाएंगे अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है, को रिलेटेड है। तो फिर मैंने एग्जाम्स दिए, तो जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ तो वहां से एक मेल आया कि आपको इमिडिएटली यू आर रेडी फॉर ज्वाइन। तो मैंने कहा यस, इनफैक्ट टुडे आई कैन फ्लाई। सो उन्होंने बोला ओके देन डू वन थिंग, उन्होंने मेरी CDC और पासपोर्ट को अपने पास रख लिया एंड बोला अप्लाई फॉर द US वीजा। सो आई वॉज हैप्पी। 1 month, 2 month फिनिश, 3 month, देर वॉज नथिंग रिस्पॉन्स, मीन्स कंपनीज फिर से लटका रही थी। कहते हैं ना कि जब चीज जो चीज होना होता है तभी होता है। फाइनली आई डिसाइड कि शायद कंपनी ये वाली मुझे ना ले, मुझे ऐसा लगा। तो बट एक दिन सडनली कॉल आया, आई गॉट फ्लाइट टिकट कि आई हैव टू ज्वाइन सो एंड सो शिप। आई वॉज हैप्पी और सब घर में उदास भी थे, पहला टाइम पहली बार ज्वाइन करना है, मम्मी बहुत रो रही थी एंड मीन्स रहता है ना घर में एक, बट फिर भी खुशी थी कि काफ़ी दिनों बाद चांस मिला है। तो इसके बाद वाली जो वीडियो मैं डालूंगा दोस्तों, उसमें डालूंगा शिप की कहानी कैसे स्टार्ट होती है, हाउ वाज माय फर्स्ट डे, कैसे मुझे लोग मिले, मुझे कैसा फील हुआ, इतने दिनों घरों में रहा उसके बाद कैसा फील होता है। तो दोस्तों दिस इज माय सेकंड सेल्फ वीडियो, इसके बाद मैं वो वीडियो में डालूंगा आपको, आपको पूरी शिप की कहानी बताऊंगा, पूरे कैरियर की कहानी बताऊंगा। लाइफ में कभी होप नहीं छोड़ना चाहिए, ये बात सच है कि जिन्हें अखबारों में रहने का शौक हुआ है वो रद्दी के भाव बिके हैं, आप सभी भी जानते हो न्यूज़पेपर तो फाइनली कबाड़ी वाले के पास ही जाता है। तो दोस्तों हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, आपको सही रहना चाहिए, आप सही रहेंगे तभी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना। जय हिंद दोस्तों, बाय, टेक केयर।